थायराइड के लिए रेमेडी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थायराइड होती क्या है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो गले के नीचे होती है। ये ग्रंथि एक हार्मोन पैदा करती है जिसे थायराइड रीजन कहते हैं। यह हार्मोन लगभग पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह हार्मोन पूरे शरीर में फैलता है। इसीलिए इस हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने पर यह थायराइड की समस्या पैदा होती है। यदि किसी के शरीर में इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसे कहा जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म, लेकिन वहीं किसी के शरीर में यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो इसे हाइपो थायरॉयडिज्म कहते हैं। शरीर में इस हार्मोन के बढ़ने से या घटने से दोनों ही तरह से शरीर को नुकसान होता है। इस हार्मोन के शरीर में बढ़ने या घटने के कुछ सामान्य लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, उससे आप इस समस्या को पहचान सकते हैं। किसी को अचानक से ज्यादा नींद आने लगे, घबराहट होने लगे या दिल की धड़कन तेज रहने लगे। इसमें किसी का वजन कम हो जाता है तो किसी का वजन ज्यादा होने लगता है। तो आज मैं आपके साथ थायराइड से बचने के लिए बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ली है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड आपको सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अलसी में शरीर के लिए जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ होने के कारण ये शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं और जल्दी जल्दी शरीर में बीमारियां नहीं लगती हैं। अलसी को अपनी नॉर्मल डाइट में शामिल करके आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। थायराइड से बचने के लिए अलसी से हमें किस तरह से रेमेडी तैयार करनी है यह भी हम जान लेते हैं। अब हमें चाहिए एक पैन। इस पैन को लो फ्लेम पर गर्म करने के बाद हमें इसमें अलसी को ऐड करना है। अलसी को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अलसी का हमें पाउडर बनाना है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसको हल्का सा रोस्ट करके लेना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस अलसी को इतना ही रोस्ट करना है जिससे कि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके और इसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। अलसी को रोस्ट करते हुए करीब एक मिनट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि अलसी जब गर्म होती है तब इसे ग्राइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अलसी में ऑयल होता है। यदि आप इसे गर्म गर्म ही ग्राइंड करेंगे तो इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, इसीलिए अलसी को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करना है। अलसी अभी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे एक जार में ट्रांसफ़र करके ग्राइंड करेंगे। सिर्फ एक मिनट में ही अलसी का पाउडर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अलसी का बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। इसका पाउडर तैयार करने के बाद हम इसे एक बार स्ट्रेन करेंगे। अलसी को स्ट्रेन करने के बाद ये जो थोड़ी सी मोटी मोटी अलसी रह गई है, इसे आटे में ऐड करके आप चपाती बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है, इसीलिए इसे पेस्ट नहीं करना है। अब हमारे पास अलसी का ये जो पाउडर बनकर तैयार हुआ है, इसे हमें किस तरह से लेना है ये भी हम जान लेते हैं। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए अलसी के इस पाउडर को आपको इसे एक ग्लास नॉर्मल पानी में लेना है। एक चम्मच अलसी के पाउडर को पानी में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यदि आप अलसी के पाउडर को इस तरह से मिक्स करके नहीं लेना चाहते हैं तो आप अलसी के पाउडर को खा लें और ऊपर से पानी पी सकते हैं। तो आप इसे दोनों ही तरह से ले सकते हैं। इस रेमेडी को आपको सुबह खाली पेट लेना है और इसे आपको दिन में एक ही बार लेना है। इस रेमेडी को लगातार 15 दिनों तक लेने के बाद आप अपना थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। आपको इससे जरूर ही फायदा होगा। थायराइड को दूर करने के लिए अलसी बिल्कुल रामबाण का काम करती है। बचे हुए अलसी के पाउडर को आप एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं और अलसी का पाउडर हमें एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है।